So, very good morning to all the students. In the last lecture, we were solving problem number 7 of income from salaries, and we had completed the problem up to point number 9. Point number 9 तक हमारा problem हो चुका था और HRA का जो calculation था, वो मैंने आपको homework में दिया था कि आपको HRA के calculations घर पे करना है और मुझे just एक अमाउंट बतानी है कि कितनी आपकी HRA टैक्सेबल आई है और कितनी HRA आपकी एग्जेम्प्ट आई है. तो अगर आप लोगों ने ये सम सॉल्व किया है तो जस्ट जो हमारा चैट विंडो है वहां पे आपको HRA की जो वैल्यू आपकी आ रही है वो वैल्यू जस्ट पुट अप कर देनी है. सर HRA रिसीव्ड आया है 24,000 एंड लेस एग्जेम्प्ट आया 20,600 टोटली आया है. ओके 3,400 टैक्सेबल आया, मतलब बाहर के कॉलम में 3,400 आया. ओके और बाकी yes. अगर हाँ बाकी लोगों का अगर कुछ और आंसर आया है तो जस्ट चैट विंडो में भी आप टाइप कर दोगे तो चलेगा. 3,400 आ रहा है कि बाकी नहीं सर, सेम आंसर है सर, हमारा सेम आंसर है. ओके चलो एक बार देख लेते हैं कि बराबर है या नहीं है. पहले तो हम लोग सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ HRA कैलकुलेट करेंगे. मींस ऑल टोटल 2,10,000 आई सर हमारी. ओके ओके ठीक है, देख लेते हैं. ओके तो सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ HRA आएगा बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन. ओके बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन. बेसिक है 96,000 और डीए है 48,000 और कमीशन कितना है? कमीशन है 10,000 सर. ओके तो 10,000 इसका सबका टोटल हम लोग ले लेते हैं. 1,54,000 ये आ गया हमारा सैलरी. अब बाकी का जो अमाउंट है वो यही से हम लोग कॉपी कर लेते हैं. पिछले सम का जो मैटर है वो तो सेम ही रहता है, वो कॉपी कर लिया. HRA एक्चुअली रिसीव्ड है, देखिए हमारे सम में HRA 2,000 रुपीज के हिसाब से 24,000 रुपीज हमको HRA मिला है. ओके करेक्ट 24,000. 40% ऑफ सैलरी रहेगा या क्या रहेगा? यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं. 50% रहेगी सर, मेट्रो सिटी है ना. करेक्ट, वो मेट्रो सिटी. करेक्ट 72,000 आ रहा है सर उसका. यस 1,57,000 आ रहा है. यहाँ पे वेरिएशन आया क्या आप लोगों का? देखते हैं एक मिनट. 1,54,77,000 आएगा, ठीक है ना. लेकिन अगर अब यहाँ पे किसी का अगर 72,000 भी आया है तो भी फाइनल आंसर हो सकता है कि आपका सेम आए. ऐसे केसेस में क्या होगा, फाइनल आंसर आपका सेम आएगा. अगर एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी कम है तो वही अमाउंट सीधा के सीधा लिया जाएगा. लेकिन ऐसे केस में जिन लोगों का 72,000 आया है यहाँ पे, उनका एक मार्क कट होगा. ओके okay, क्योंकि एक पॉइंट आपका गलत आया है, लेकिन बाकी आंसर के आपको मार्क्स बाकी आंसर के आपको मार्क्स मिलेंगे. ओके अभी एक्चुअल रेंट पेड कितना है? 3,000 रुपीज के हिसाब से 36,000 एक्चुअल रेंट पेड है. तो 36,000 एक्चुअल रेंट पेड है, लेस 10% ऑफ सैलरी 15,400 लेस कर देना, तो 20,600 आता है. तीनों में से लीस्ट अमाउंट है 20,600. तो ये जो 20,600 है ये अमाउंट ऑफ HRA एग्जेम्प्ट है. ओके व्हाट इज दिस? दिस इज एन अमाउंट ऑफ HRA एग्जेम्प्ट. और ये अमाउंट हम कहाँ पे लिखेंगे? तो हमारा जो मेन सम है वहां पे हम लिखेंगे HRA ब्रैकेट्स में रिसीव्ड. ओके हाउ मच वी हैव रिसीव्ड? 36,000 HRA we have, no not 36,000, 24,000 HRA we have received and less exempt working note number 1. कितनी आई है working note number 1 के हिसाब से? 20,600 रुपए exempt है, 3,400 रुपए taxable है और 2,10,000 रुपए आपकी gross टैक्सेबल इनकम या इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर मधुकर जो है वो आने वाली है. ओके आई होप सभी लोगों का ये आंसर राइट आया है. जिन लोगों का ये आंसर राइट नहीं आया या कुछ पॉइंट्स अगर आपके अगर गलत आया है तो ये नोट डाउन कर लेना है. किसी को अगर यहां तक
नहीं समझा कि सर ये आंसर कैसे आया था, आप पूछ सकते हो मुझे। सर एवरीथिंग इज सेम सर, बट 50% ऑफ सैलरी मेरा 72,000 आया सर। हाँ तो वो कैसे हुआ बेटा? ये आपका जो कैलकुलेशन है ना, 1,54,000 का 50% करने में कहीं ना कहीं गलती हुई है। आपका ये सैलरी फॉर सर, सैलरी फॉर पर्पस ऑफ एचआर 1,54,000 आया क्या आपका बराबर से? ये अमाउंट आपका सेम आया क्या, हमारे जैसा ही आया क्या? देखो ओके सर, समझ में आ गया सर मुझे कैसे डिफरेंस आएगा। ये 154 आपका आया होगा, एक तो या ये गलत आया होगा या तो फिर इसको आप जब डिवाइडेड बाय 2 करने गए होगे ना, तो वो आपका कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ होगा वो पॉइंट में। ओके नहीं सर, मैं बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस को एडिशनल करके उनको अपॉन 2 किया था सर, इसलिए आया था वैसा। अच्छा अच्छा ठीक है, बराबर, कमीशन नहीं लिया था आपने। ओके ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है जब हम एचआरए कैलकुलेट करते हैं। एट दैट टाइम यू शुड टेक बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन। ओके तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ओके, अब ये सम नंबर 7 तो हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग अभी सम नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ओके वी विल स्टार्ट विथ प्रॉब्लम नंबर 8। माइक्रोफोन जो है वो आपके म्यूट कर लीजिए। लेट अस जस्ट रीड प्रॉब्लम नंबर 8। कुछ नया है यहाँ पे? यस, यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस नया है, प्रोफेशन टैक्स नया है। ओके तो अगेन वी विल बी स्टडिंग समथिंग न्यू इन ईच सम। ठीक है पढ़ो। मिस्टर प्रमोद, अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ मुंबई, सबमिट्स द डिटेल्स ऑफ हिज इनकम फॉर द ईयर 2010-2011। बेसिक सैलरी है 6,000 रुपीज पर मंथ, डीएनएस अलाउंस है 40% ऑफ बेसिक सैलरी, बोनस 2 मंथ्स ऑफ बेसिक सैलरी, कमीशन 10% ऑफ टर्नओवर, कन्वेयंस अलाउंस 4,500, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है 4,000, फैमिली अलाउंस है 400 रुपीज पर मंथ, एक्चुअल एक्सपेंडिचर है 5,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 6,000 फॉर 3 चिल्ड्रन, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 4,800, एंड ट्राइबल एरिया अलाउंस 300, एचआरए भी दिया है। ठीक है ये तो हमेशा वाले पॉइंट्स है, कुछ एडिशन में दिया है। देखो नीचे प्रोफेशनल टैक्स पेड 2,000 and 1,000 फॉर द ईयर 2008 and 2009-2010 रिस्पेक्टिवली, एंटरटेनमेंट अलाउंस 8,000 रुपीज। ओके ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। जल्दी से आपको आपका जो हमारा आज का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट रेडी करना है। ओके जल्दी से आपका जो फॉर्मेट है वो आपको रेडी रखना है। ओके फॉर्मेट हो गया सभी का, कैन वी स्टार्ट? इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर प्रमोद फॉर असेसमेंट ईयर 2019-2020। ओके अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आप ध्यान में रखें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। अब तक ये चीज हमने सीखी नहीं है, लेकिन यहाँ से जो हमारे आगे के सम्स शुरू होंगे उसमें कुछ जगह पे आपको ये इंफॉर्मेशन दी होगी कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है।
और उसका आपके सम में क्या इंपॉर्टेंस होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे. ओके तो जो पहले हमेशा वाली प्रोविजन है वो तो हम वैसे ही डिस्कस करते हैं और वैसे ही सॉल्व करेंगे. जो पॉइंट नंबर 9 तक है वहाँ तक तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी. पॉइंट नंबर 10 एंड पॉइंट नंबर 11 जो रहेगा वो आपके लिए नया रहेगा, वो हम डिस्कस करेंगे. ओके बाकी चीज़ें आपने ही मुझे बताना है, मैं सिर्फ लिखने का काम करूँगा यहाँ पे. ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी लिखेंगे. बताओ मुझे बेसिक सैलरी का अमाउंट कितना लिखना है वहाँ पे. बेसिक 72,000. ओके डायरेक्ट कभी भी ऐसा नहीं लिखना, लेकिन ओके आपको जब आपकी बुक में आप लिखते हो तो यू हैव टू शो योर वर्किंग्स. तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 6,000 इनटू 12 आएगा आपका 72,000 रुपीस आउटर कॉलम में. ओके नेक्स्ट आपका है डियरनेस अलाउंस जो कि होता है 40% ऑफ बेसिक. तो 28,800. ओके तो 40% ऑफ बेसिक आता है दिस का इसका 40% 28,800. चलो अच्छी बात है. नेक्स्ट बोनस 2 months ऑफ बेसिक सैलरी. तो बोनस 16,800. ओके बेसिक प्लस सिर्फ बेसिक दिया है क्या, बोनस 2 months ऑफ बेसिक सैलरी. ओके दूसरा कुछ भी नहीं लेना बेसिक सैलरी का. बेसिक 2 months ऑफ बेसिक सैलरी 12,000. यस ओके ठीक है. देख कुछ लोगों का 16,800 आ रहा है. चलो एक मिनट देखते हैं. 72,000 पूरे साल का फिगर है तो एक महीने का 6,000 और 2 महीने का आएगा 12,000. ओके नॉट 16,000 इनका आ रहा है, मतलब उन्होंने घाई घाई में हमने क्या किया है, allowance है. हाँ डियरनेस अलाउंस भी आपने कंसिडर कर लिया होगा तो वो नहीं करना है आपने. yes, sir. Okay, सिर्फ बेसिक सैलरी. okay, मतलब जब आप सम सॉल्व करते हो तब आपको ध्यान से एक एक पॉइंट पढ़ना है. अभी तक जितने सम दिए थे हमने उसमें बोनस में बेसिक और डीए भी लिया था, लेकिन इस सम में सिर्फ बेसिक दिया है तो आपने ध्यान से पढ़ना है और उसके हिसाब से ही आंसर्स आपको लिखने हैं. ठीक है क्वेश्चंस छोटे रहेंगे इनकम टैक्स में, आंसर्स भी छोटे रहेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चंस जो है वो ध्यान से 2 बार पढ़ने होते हैं. नेक्स्ट कमीशन 10% ऑन टर्नओवर. टर्नओवर कितना है 3 लाख. तो 3 लाख पे 30,000 कमीशन 10% ऑन 3 लाख मतलब आपका आता है 30,000. ओके नेक्स्ट कन्वेयंस अलाउंस 4,500 एक्चुअल एक्सपेंडिचर 4,000. ओके बताओ इसका क्या करेंगे. 500 आ रहा है सर. 500 आंसर आएगा. ओके कन्वेयंस अलाउंस जो है वो क्या है आपका, ऑफिशियल अलाउंस है या पर्सनल है. ऑफिशियल है सर. ऑफिशियल अलाउंस है. ऑफिशियल. ओके ऑफिशियल अलाउंस है तो वीडियो बंद करो बेटा आपका. ओके कन्वेयंस अलाउंस रिसीव्ड कितना रिसीव हुआ है, 4,500 रुपए का. 4,500. यस एंड वी विल लेस इट रिड्यूस यूज्ड फॉर ऑफिशियल 4,000. तो इट कम्स टू 500 रुपीस. ओके कन्वेयंस अलाउंस कम्स टू 500 रुपीस. नेक्स्ट फैमिली अलाउंस 4,400 रुपीस पर मंथ एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज अगेन 5,000 रुपीस. अब फैमिली अलाउंस के बारे में थोड़ा सा आप बताओ मुझे, फैमिली अलाउंस क्या है, इट्स ऑफिशियल पर्सनल कैसा अलाउंस है. ओके इट्स अ पर्सनल अलाउंस तो इसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर का कोई रोल नहीं होगा. जो भी पूरा अमाउंट मिला है वो आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट इट एज अ फुल्ली टैक्सेबल अमाउंट. तो आपको जो फैमिली अलाउंस है वो कितना मिला है हमको, 4,800. करेक्ट. यस सर 4,800 इंटू 12 4,000
800, correct. Next. Children education allowance 6,000 for 3 children actual expenditure. Again यहाँ पे ये actual expenditure का कोई role है क्या? कुछ भी role नहीं है, आपको सिर्फ ये confuse करने के लिए दिया गया है, तो इसको आप consider नहीं करेंगे. Children education allowance received है 6,000. Expenditure exempt कितना होगा इसमें से बताओ मुझे. 2,400 exempt होगा. Correct. तो यहाँ पे हम कैसा लिखेंगे इसको? पहले लिखेंगे received. Okay, received है 6,000 rupees less exempt. Exempt है 100 rupees per month per child up to maximum of 2 children. Means it comes to 2,400. 6,000 में से 2,400 गए, 3,600 is the taxable value of children education allowance. Okay, next. Tribal area allowance 300 rupees per month, actual expenditure 380 rupees per month. Tribal area allowance आता है आपका partly taxable allowances में. Okay. और जनरली आपको ये एडजस्टमेंट नहीं पूछा जाता, आपको सिर्फ तीन ही चीज़ें यहाँ पे याद रखनी होती है, चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट. लेकिन अगर कभी कभार आपको यूनिवर्सिटी ने पूछ लिया ट्राइबल एरिया अलाउंस, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि इट शुड कम. कितना एग्जम्पशन मिलता है? 200 रुपया महीने का उस पर एग्जम्पशन मिलता है. वैसे अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे दूसरे अलाउंसेस होते हैं फील्ड एरिया, यहाँ पे तो 6-7 ही दिए हैं. लेकिन अगर आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस की बुक्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यूज करते हैं उसकी टैक्स की बुक्स निकालोगे तो देर आर लॉट ऑफ अलाउंसेस, और इतने सारे अलाउंसेस लेकिन बीकॉम लेवल पे आपको नहीं होते. आपको ये मैक्सिमम ये तीन अलाउंसेस आ सकते हैं पार्टली टैक्सेबल में, और पर्सनल में तो ये सभी आएंगे आपको एग्जाम में, और ऑफिशियल में भी इसमें से सभी आएंगे. ओके ठीक है. अब यहाँ पे ट्राइबल एरिया अलाउंस दिया है तो 200 रुपीज पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होता है, ये याद रखिए. मिला कितना है? 300 रुपया महीना. एक्चुअल एक्सपेंडिचर का कोई रोल यहाँ पे नहीं है. तो ट्राइबल एरिया अलाउंस आपने लिखना है रिसीव्ड, ट्राइबल एरिया अलाउंस रिसीव्ड 18,000. नहीं ना, 300 रुपीज पर मंथ मिला. कितना एग्जेम्प्ट होता है? तो 200 रुपया पर मंथ तक. 2,400. टैक्सेबल अमाउंट कितना? 1200. 1200. ओके नेक्स्ट. ट्राइबल एरिया अलाउंस हो गया. अगला है एचआरए. ओके, एचआरए रिसीव्ड है 1500. एचआरए ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे रिसीव्ड. कितना मिला है? 1500 रुपीस पर मंथ. तो कितना आता है वो? 1500 मल्टीप्लाइड बाय 12, 18,000 रुपीस एचआरए आता है. और लेस एग्जेम्प्ट. एग्जेम्प्ट अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 लिख के छोड़ दो. ओके, अब नीचे आपके दो वर्किंग नोट्स हमेशा की तरह बनाने, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2. सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2. ओके, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए. सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन. ओके, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन. बेसिक कितना है? 72,000. डीए है 28,800 और कमीशन है 30,000. ओके, बेसिक, डीए और कमीशन. तो 1,30,800 आएगा आपका सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए. यहां तक आप लोगों का और मेरा बराबर आ रहा है?
सभी लोगों का बराबर आ रहा है यहाँ तक? यस ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे पिछले प्रोविजन है वो वैसे के वैसे ही लिख लेने हैं, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आपको लिखने हैं लेकिन अच्छे से। ओके, यू जस्ट राइट डाउन और एक एक अमाउंट्स आप मुझे बताओ अभी। फर्स्ट अमाउंट क्या है? एक काम करता हूँ, मैं इसे भी ओपन करके रखता हूँ यहाँ पे, और आई एम ट्राइंग समथिंग। मुझे आप बताओ कि आपके स्क्रीन पे प्रॉपर विजिबल होता है क्या? तो फिर एक ही साथ दोनों चीजें हम लोग ओपन रखेंगे, आपको सम्स देखने में इजी रहेगा उतना। विजिबल है स्क्रीन आपको? यस सर, आ रहा है सर, परफेक्ट आ गया सर, परफेक्ट आ गया। ठीक है, अच्छा अब बताओ मुझे पहला अमाउंट आप बताओ, HRA एक्चुअली रिसीव्ड 18,000 है सर। 18,000 ओके। नेक्स्ट, अब मिस्टर प्रमोद कहाँ पे रह रहे हैं? मुंबई में रह रहे हैं। ओके, ही इज लिविंग इन मुंबई। सो मेट्रो सिटी सर, मेट्रो करेक्ट, इट्स अ मेट्रो सिटी, इसलिए 50% ऑफ सैलरी। बराबर है, 50% ऑफ 65,400 130,800 डिवाइडेड बाय 2 65,400। अच्छा, ये दोनों चीजें हमने गलत कॉलम्स में लिखी है, बाहर लिखना है इसको। ओके, एक्चुअल रेंट पेड कितना है? 1200 रुपया महीने के हिसाब से एक्चुअल रेंट पेड कितना हो रहा है? 14,400। ओके, और सैलरी का 10% आता है 113,080। बराबर है ना? ठीक, करो माइनस इसको, कितना आता है? 12,960। फिर से करो, फिर से करो, अच्छे से करो। एक जीरो कम लिख दिया आपने। सर 1,320। करेक्ट, सर 1,320 इज द थर्ड अमाउंट। अच्छा, अब इसमें से सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है? देखो ये वाला सबसे छोटा अमाउंट है, तो अमाउंट ऑफ HRA एग्जेम्प्ट, यस सर, अमाउंट ऑफ HRA एग्जेम्प्ट विल बी 1,320। ओके, अच्छा अब ये जो ये अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 1,320, और 18,000 में से ये अमाउंट माइनस करो, कितना आता है वो आउटर कॉलम में लिखो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट या कोई चीज नहीं समझा? कुछ ऐसा नहीं ना? ओके, अब आगे का देखते हैं। दो नए प्रोविजन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला प्रोविजन है प्रोफेशनल टैक्स पेड, और सेकंड प्रोविजन है एंटरटेनमेंट अलाउंस का। ओके, तो एक एक करके हम ये दोनों प्रोविजन जो है वो डिस्कस करेंगे। ये जो थियोरेटिकल पार्ट है ये मैं यहाँ पे, ओके, सबसे पहले तो एंटरटेनमेंट अलाउंस देख लेते हैं। ओके, जो पॉइंट नंबर 11 है, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो 8,000 रुपीज मिला है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर है 6,000। तो एक्चुअल में जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है वो सभी एम्प्लॉयज को नहीं मिलता है। ओके, जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है वो सभी एम्प्लॉयज को नहीं मिलता है। दिस डिडक्शन, नोट्स में देखो मेरे, दिस डिडक्शन इज अलाउड ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज।
ओके, ये डिडक्शन किसको मिलता है? सिर्फ जो गवर्नमेंट इंप्लॉयज होते हैं उन्हीं को मिलता है. एंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है वो एक ऐसा अलाउंस होता है विच इज स्पेंट फॉर पर्सनल रिक्रिएशनल पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉय. खुद के आराम के लिए, खुद के रिक्रिएशन के लिए, खुद के पर्सनल टाइम के लिए कुछ अमाउंट आपको अगर मिलता है तो उसे हम एंटरटेनमेंट अलाउंस कहते हैं. ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है. प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज को एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो है वो नहीं मिलते. ओके, टोटल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड इज फॉर, अब इसका आप किस तरह से इस पर टैक्स लगता है वो भी देखो. ओके, टोटल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी. पहले तो उसको आपको इंक्लूड कर लेना है. जो भी ग्रॉस सैलरी आप कैलकुलेट कर रहे हो उसमें आपको पूरा पहले लिख लेना है और उसके बाद उस पर डिडक्शन मिलता है, अलग से डिडक्शन मिलता है. ओके, अब तक हमने जितने भी सम किए थे, देखो यहाँ पे एचआरए हमने सॉल्व किया तो एचआरए लिखा, एचआरए का डिडक्शन उसी के नीचे हमने क्लेम किया. ओके, समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपको? देखो एचआर हमने लिखा, उसका डिडक्शन उसी के नीचे क्लेम किया, बाहर उसका अमाउंट लिख दिया. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लिखा, उसका डिडक्शन हमने यही पे नीचे उसके नीचे क्लेम किया और आउटर कॉलम में उसका फाइनल अमाउंट लिख लिया. लेकिन जब हम एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करते हैं तो वो पहले आपको ग्रॉस सैलरी में लिख लेना है और बाद में अलग से उसको डिडक्शन उसका आपने क्लेम करना है. ओके, इसका डिडक्शन जो होगा वो अलग से आपको क्लेम करना है. अगेन, डिडक्शन क्लेम करते वक्त व्हाट विल बी द मिनिमम या व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट. तो जैसे एचआरए के लिए हम तीन अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, वैसे एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए भी आपको तीन अमाउंट्स कैलकुलेट करनी है. पहली, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड. सेकेंड, रुपीज 5000. या थर्ड, 20% ऑफ बेसिक सैलरी. तीन अमाउंट्स आपको कैलकुलेट करनी है. एक्चुअल में एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिला वो, सेकेंड 5000 रुपये, थर्ड 20% ऑफ बेसिक सैलरी. इन तीनों में से जो सबसे छोटी अमाउंट रहेगी उसका आपको डिडक्शन मिलेगा एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए. ओके, सो अब इसे हम हमारे सम में सॉल्व करते हैं. तो यहां पे सबसे पहले तो आपको क्या देखना होता है कि इंप्लॉय कौन है. अगर वो नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो ये जो तीसरा नंबर का स्टेप कैलकुलेट करने का है वो करना ही नहीं है. नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय को तो पूरा टैक्स पे करना है एंटरटेनमेंट अलाउंस पे. ये डिडक्शन कब मिलेगा? एक मिनट बेटा रुको. अगर गवर्नमेंट इंप्लॉय रहा तो ही उस पर हमको डिडक्शन मिलेगा. ओके, गवर्नमेंट इंप्लॉय रहा तो ही अपने को उसमें माइनस का काम करना है, नहीं तो अपने को सीधा जो भी अमाउंट है वो सीधा टैक्सेबल लिख लेना है. तो अब यहाँ पे हमारा जो सम है उसमें मिस्टर प्रमोद, देखो गवर्नमेंट इंप्लॉय है क्या नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है? नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है. ओके, ही इज अ नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय. अभी जैसे आप लोगों ने कहा कि अगर वो नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस हमको मिल रहा है, ओके, ये जो 8000 रुपीज का एंटरटेनमेंट अलाउंस हमको मिल रहा है, इस पे कोई डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं, नहीं मिलेगा. और ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन कोई भी टाइप का डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. एंटरटेनमेंट अलाउंस पे कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा. मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, सीधा जो एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है वो आपको पहले ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड कर लेना है और उस पर डिडक्शन तो मिलने ही नहीं वाला, तो उसको लेस करने का कोई सवाल ही नहीं उठता. तो सीधा उसको आपको आपकी ग्रॉस सैलरी में ऐड कर लेना है. तो अगर वो नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो हम क्या करेंगे, एंटरटेनमेंट अलाउंस को सीधा 8000 रुपीज टैक्स पे लगा देंगे. यहाँ पे लिख देंगे, एक लाइन हमारे पास बची है नीचे, लिख लेंगे फुल्ली टैक्सेबल एज ही इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ओके, फुल्ली टैक्सेबल एज ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. यहां तक समझा आपको? अभी जो अगला सम हम लोग करेंगे, नाइन्थ सम जो करेंगे ना, मिस्टर गिरीश वाला, उसमें ही विल बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, एकदम से पहले ही स्टेप में सब डिफिकल्टी नहीं बढ़ा देंगे. हाँ, प्रोफेशनल टैक्स का क्या करेंगे? करेंगे ना. अभी आप यहाँ तक तो एंटरटेनमेंट अलाउंस तक तो आओ. एंटरटेनमेंट अलाउंस लिख दिया आपने,
ओके सर, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयड रहा तभी वो प्रोसेस होती है। हाँ, कुछ अलाउंसेस ऐसे होती है जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही उसका बेनिफिट मिलता है, प्राइवेट के एम्प्लॉयज को उसका बेनिफिट नहीं मिलता। ऐसे आगे हम लोग सीखेंगे बहुत सारे अलाउंसेस, स्पेशली जब रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे आएंगे ना, तो इसका ज्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वी हैव डिस्कस्ड द एंटरटेनमेंट अलाउंस टिल नाउ। एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरी तरह से टैक्सेबल रहेगा मिस्टर प्रमोद के केस में। व्हाई? बिकॉज ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, लास्ट जो पॉइंट बचता है हमारा वो है प्रोफेशन या प्रोफेशनल टैक्स का। ओके, प्रोफेशनल टैक्स जो होता है, इट्स अ टैक्स ऑन प्रोफेशन विच इज लेविड बाय ऑल द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है ये, हर एक स्टेट जो है वो ये टैक्स जो है ये कलेक्ट करता है। और अगर आपका शॉप है, आप कोई प्रोफेशनल हो, इवन अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, स्टिल आपको आपके प्रोफेशन पे आपको कुछ ना कुछ टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर प्रोफेशन इज। आपका बिजनेस क्या है, आपके पास कितने प्रीमाइसिस में, आपके शॉप में, आपके एस्टेब्लिशमेंट में कितने लोग काम करते हैं अगर बिजनेस में है तो, आप अगर सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपकी सैलरी कितनी है। इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रोफेशन टैक्स जो है ये पे करना पड़ेगा। ओके, तो इससे रिलेटेड प्रोविजंस जो है वो पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। प्रोविजंस, ये जो प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस और एक और होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। ओके, ये जो प्रोविजंस है ये आपकी डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस सैलरी के अंदर डिस्कस की जाती है। तो ये जो है प्रोफेशन टैक्स जो है वो हमको एक पहले तो डिस्कस करना है। प्रोफेशन टैक्स क्या है? तो प्रोफेशन टैक्स इज अ डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली इन ईयर इन विच प्रोफेशन टैक्स इज पेड। जिस साल आप प्रोफेशन टैक्स पे करते हो उसी साल आपको इसका डिडक्शन मिलता है। अब ये मैं ऐसा ये लाइन यहाँ पे क्यों लिखी है कि प्रोफेशन टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो आप एडवांस में भी भर सकते हो। ओके, और पिछले 2-3 साल के पहले तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक ऐसा फैसिलिटी दिया था कि भाई आप 3 साल का प्रोफेशन टैक्स एक साथ पे करते हो तो 1 साल का प्रोफेशन टैक्स आपको एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब 3 साल पे आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिलता है, 3 साल के पेमेंट पे आप 4 साल तक प्रोफेशन टैक्स आपको अलाउ किया जा सकता है, प्रोफेशन टैक्स का आपको सर्टिफिकेट मिलता है उतना। तो यहाँ पे कैसा है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो 2-3 साल का एक साथ प्रोफेशन टैक्स पे कर देते थे। तो जिस साल आप प्रोफेशन टैक्स पे करते हो उस साल आपको उसका डिडक्शन जो है वो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 2019-20 में मैंने कोई प्रोफेशन टैक्स पे ही नहीं किया तो मुझे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, ये पहली बात। सेकेंड, अगर प्रोफेशन टैक्स, अब ये पहले पढ़ लो फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। इफ द प्रोफेशन टैक्स इज पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई, इट इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉई एज अ परक्विसाइट एंड देन द सेम अमाउंट इज अलाउड एज अ डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ प्रोफेशन टैक्स फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी। अगर आपका प्रोफेशन टैक्स आप नहीं भरते, सपोज आप किसी पे You are employed as an employee somewhere और आपका profession tax आप नहीं pay करते, आपका employer जो है वो आपकी तरफ से आपका profession tax जो है वो pay करता है। okay, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या होगा कि आपकी salary में पहले वो आप include करोगे, मतलब gross salary में आप पहले include करोगे और फिर उसको बाद में अलग से सेपरेटली उसका डिडक्शन दिखाओगे। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो फॉर्मेट बनाया है सैलरी का उसमें पिछले सम तक हम ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी निकाल के बंद हो जाता था हमारा सम। ओके, लेकिन यहां से आगे अभी जो होगा ना इसमें हमको दो कंसेप्ट आएंगे, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी आएगा और एक नेट टैक्सेबल सैलरी आएगा। ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी तो वही होगा जो हम अब तक सीखते थे, टोटल ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ओके, और उस टोटल में से एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशन टैक्स आपको लेस करना है। वो लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपका होता है नेट टैक्सेबल सैलरी। ओके, तो इसलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि पहले उसको
जो ग्रॉस सैलरी है उसमें आपको पहले ऐड कर लेना है और बाद में नीचे उसको डिडक्ट करना है। ओके, कब ऐसा कब करना है प्रोफेशन टैक्स ऐसा कब करना है, जब आपकी तरफ से आपका इंप्लॉयर टैक्स पे कर रहा है। तो अगर आप खुद टैक्स पे कर रहे हो, आपका इंप्लॉयर टैक्स नहीं पे कर रहा, आप खुद आपका प्रोफेशन टैक्स आप खुद पे कर रहे हो, तो उसको पहले इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी सैलरी में से सीधा आपको लेस करना है, दूसरा कुछ इसमें प्रोविजन या कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। सीधे सीधे वर्ड में जितना भी प्रोविजन प्रोफेशन टैक्स आप पे कर रहे हो उतना प्रोफेशन टैक्स आपको आपकी ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी में से लेस करना है। आई विल रिपीट, जितना भी प्रोफेशन टैक्स आप पे कर रहे हो उतना प्रोफेशन टैक्स आपको आपकी ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी में से लेस करना है। अगर आप प्रोफेशन टैक्स नहीं पे कर रहे हो, आपका इंप्लॉयर प्रोफेशन टैक्स पे कर रहा है, तो पहले आपकी जो सैलरी होगी उसमें प्रोफेशन टैक्स ऐड होगा, यहां पे आपका प्रोफेशन टैक्स ऐड होगा और फिर वो प्रोफेशन टैक्स यहां से लेस होगा। ओके, नेट इफेक्ट उसका वही होगा, लेकिन पहले ऐड होगा और फिर लेस होगा। लेकिन अगर आप खुद आपका प्रोफेशन टैक्स पे कर रहे हो तो यहां पे वो ऐड नहीं होगा। अच्छा, अभी आप पूछोगे ऐसा क्यों हो रहा है सर? ओके, ऐसा क्यों होगा कि भाई अगर हमारा एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है तो पहले ऐड होगा और हम पे कर रहे हैं तो ऐड नहीं होगा? तो कोई बता पाएगा ऐसा इसके पीछे क्या लॉजिक होगा? कैन यू से के कुछ आइडिया है आपको? गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, इसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई लेना देना नहीं है, ये प्रोफेशनल टैक्स तो सबको पे करना होता है। देखो सीधी बात है, आई विल एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। सपोज मिस्टर ए है एक, ओके, उनको उनकी जेब से 2,500 रुपये प्रोफेशन टैक्स पे करना है। मैं खुद अगर 2,500 रुपये पे कर रहा हूँ तो ये पैसा किसकी जेब में से जा रहा है? मेरी जेब में से जा रहा है, मुझे डायरेक्टली मेरी जेब में से पैसा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंप्लॉयर के पास से मुझे कुछ मिल रहा है क्या? मेरा इंप्लॉयर कुछ दे रहा है क्या? नहीं, ये 2,500 क्या हो रहा है? सीधा मेरे जेब में से निकल रहा है, मैं पे कर रहा हूँ टैक्स। ओके, तो उसको सैलरी में ऐड क्यों करूंगा मैं? इंप्लॉयर के पास से थोड़ी मिल रहा है 2,500 रुपये मुझे, ठीक है, वो मैं सीधा लेस कर लूंगा। यहां से लेस क्यों करूंगा? क्योंकि प्रोफेशन टैक्स जो है वो मैंने पे कर दिया, तो उस अमाउंट पे मैं अभी इनकम टैक्स वापस पे नहीं करूंगा। जितना प्रोफेशन टैक्स मैं पे कर रहा हूं, 2,500 रुपये अगर मैं प्रोफेशन टैक्स पे कर रहा हूं, तो फिर ये 2,500 रुपये मैं इनकम टैक्स नहीं पे करूंगा, ये मेरा 177 में से 2,500 लेस कर लूंगा और जो बाकी का 1,75,000 है उतने पर ही मैं टैक्स पे करूंगा। ओके, एक ही अमाउंट पे दो अलग अलग टैक्स नहीं पे करूंगा मैं। ओके, इंडिया में टैक्सेशन में कभी भी डबल टैक्सेशन, आप एक ही इनकम पे दो बार टैक्स कैसे वसूलोगे? इसलिए अगर मैं कुछ अमाउंट प्रोफेशन टैक्स की पे कर रहा हूं तो उस पर फिर से इनकम टैक्स नहीं पे करूंगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, लेस कर लेते हैं अमाउंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर आपका इंप्लॉयर आपकी तरफ से टैक्स पे करता है, ओके, मतलब मिस्टर ए है, ओके, उसको 2,500 रुपये का टैक्स पे करना होता है लेकिन वो नहीं पे करता ये टैक्स। ओके, वो ये टैक्स पे नहीं करता, मिस्टर ए का जो इंप्लॉयर है वो पे करता है 2,500 रुपये मिस्टर ए की तरफ से। ओके, मिस्टर ए के पैसे नहीं काटता हो, मिस्टर ए की तरफ से 2,500 रुपये इंप्लॉयर पे करता है। तो अभी मुझे ये बताओ कि आपकी जेब से पैसे गए क्या 2,500 रुपये? डिड द मनी गो आउट ऑफ योर पॉकेट? आपको कोई खर्चा करना पड़ा क्या? नहीं, डायरेक्टली नहीं गया, ठीक है, आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ा और आपका टैक्स भी आपका इंप्लॉयर ने पे कर दिया, तो ये तो फिर बेनिफिट हुआ आपके हैंड्स में, जैसे बाकी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, ये ट्राइबल एरिया एचआरए वगैरह, जैसे बाकी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं वैसा ये जो 2,500 आपकी तरफ से इंप्लॉयर ने आपका टैक्स पे किया ये भी बेनिफिट है कि नहीं? इज दिस अ बेनिफिट और नॉट? सर लेकिन वो पैसे तो मिस्टर ए की ही हो गया ना? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, मिस्टर ए के पैसे नहीं कटे है, इंप्लॉयर ने खुद के पैसे से मिस्टर ए का टैक्स पे किया है। ओके सर। हाँ, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि मिस्टर ए का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? मिस्टर ए का बेनिफिट हो रहा है, तो ये जो बेनिफिट है इस पे टैक्स, yes, ये आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, प्रोफेशनल टैक्स। ओके, इट विल बी एडेड फर्स्ट। कितना भाई, क्यों ऐड होगा ये? क्योंकि आपके इंप्लॉयर ने पे किया है।
ऐड होने के बाद अब ये तो टैक्स है, एक बार तो पे हो ही गया है, ओके 2500 टैक्स जो है वो पे हो गया, भले किसने भी किया लेकिन टैक्स पे हुआ है, तो नीचे उसको फिर से लेस कर दोगे आप, प्रोफेशनल टैक्स 2500। ओके मतलब अगर आपका एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है तो पहले उसको ऐड करना है, फिर ग्रॉस सैलरी निकालनी है और फिर उसको लेस करना है। लेकिन अगर आप खुद टैक्स पे कर रहे हो तो डायरेक्टली प्रोफेशन टैक्स जो है वो क्या कर देना है, लेस कर देना है। ओके इस पे दो तीन सम्स आप करोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमारा जो मेन सम है पॉइंट नंबर 8 पे आओ, प्रोफेशन टैक्स का जो एडजस्टमेंट है वो मन में आपके पढ़ो और मुझे बताओ पहले कि, पहले ये बताओ कि टोटल प्रोफेशन टैक्स कितना पे हो रहा है। सिंपल है, बताओ ना कितना प्रोफेशन टैक्स पे हो रहा है। करेक्ट, 3000 रुपीज प्रोफेशन टैक्स पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2008-09 में 2000 है, अभी 8-9 नहीं होगा, इसको 18-19 पकड़ेंगे और इसको 19-20 ट्रीट करेंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा फिगर्स हमारे चेंज किए हैं। ओके हाँ, तो 18-19 के 2000 और 19-20 के 1000, ऐसे दोनों अमाउंट मिला के आपने टोटल पेमेंट कितना किया इस साल? टोटल पेमेंट आपने किया है, यू हैव डन अ टोटल ऑफ 3000। ओके यू हैव डन अ टोटल पेमेंट ऑफ 3000। एक मिनट, उस तो भी गलत हुआ मुझसे, तो इसलिए 3000। ठीक है, हमारे प्रोविजन में भी कहा जाता है कि डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली इन द ईयर इन विच प्रोफेशन टैक्स इज पेड। ठीक है, जिस साल हमने टैक्स पे किया उसी साल पूरा डिडक्शन मिलेगा, बराबर है? ठीक है, 3000 रुपए का डिडक्शन हम क्लेम करेंगे। ओके पहला बात हो गया। सेकंड, कौन पे कर रहा है प्रोफेशन टैक्स? कुछ लिखा है क्या यहाँ पे? नो सर। देखो ध्यान से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसने प्रोफेशन टैक्स पे किया है। सर मिस्टर प्रमोद ने ही पेड किया होगा ना फिर? करेक्ट है। देखो क्या वर्डिंग क्या यूज की है, प्रोफेशनल टैक्स पेड, और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मिस्टर प्रमोद के बारे में बात कर रहे हैं। तो मिस्टर प्रमोद ने ही प्रोफेशनल टैक्स पे किया 3000 रुपए। ओके यहाँ पे अगर वर्डिंग यूज होता था, अगर वर्डिंग अलग यूज होता था, जैसे यहाँ पे नीचे देखो 9th नंबर का सम देखो, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय इंप्लॉयर, तो हम कहते थे कि इंप्लॉयर ने पे किया। यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है, प्रोफेशनल टैक्स पेड, मतलब ये किसने पे किया है? मिस्टर प्रमोद ने पे किया है। अगर मिस्टर प्रमोद ने पे किया है तो इसको पहले ऐड करोगे क्या आप? नहीं नहीं, डायरेक्टली उसको आप क्या करोगे, लेस करोगे। लेस करेंगे प्रोफेशनल टैक्स पेड। तब ये अमाउंट लिखने से पहले आपको क्या करना है कि ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट कर लेनी है। अब तक हमारे जितने भी एडजस्टमेंट्स हुए, ठीक है, वो सभी का टोटल लेके आपको ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी है। प्रोफेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस हमेशा आपको लास्ट में सॉल्व करने होते हैं। ओके अगर ये पॉइंट्स आपको बीच में भी दिए गए, स्टिल उसको आपको स्किप कर देना होता है और लास्ट में उसको सॉल्व करना होता है, क्योंकि ये सब जो पॉइंट्स होती है लास्ट में शुरू होती है। ओके प्रोफेशन टैक्स पेड 3000 रुपीज। ओके और वो लेस करने के बाद आपके पास अमाउंट बचता है 1,74,000 रुपीज, 1,74,580 टू बी एग्जैक्ट, एंड दैट इज अ नेट टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर प्रमोद। ओके इसको लिख लेना है, और यहाँ पे आपका ये जो 8 नंबर का सम है वो खत्म होता है।